नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज के क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो काफी अच्छी है, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी लोगों का ड्रीम होता है इस एग्जाम को क्रैक करना और जो एयर फोर्स में ज्वाइन होना। काफी अच्छी पोस्ट होती है, रेप्यूटेड पोस्ट होती है, काफी डिग्निटी मिलती है, काफी रिस्पेक्ट मिलती है। इसी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं और पास करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो उसी एग्जाम की एलिजिबिलिटी पैटर्न सिलेबस के बारे में आज कुछ बातें हम करेंगे, कुछ टिप्स देंगे आपको जिससे कि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सको और अपना जो सपना है वो पूरा कर सको। तो देखते हैं एपकेट जो फुल फॉर्म है जिसका, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये पोस्ट जो अभी आई हुई है फिलहाल, अगर आप भरना चाहते हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस एज लिमिट अपनी देख सकते हो आप और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको एलिजिबल बनाती है इस एग्जाम में अपियर करने के लिए, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उन बातों को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पोस्ट है फ्लाइंग ब्रांच शॉर्ट सर्विस कमीशन की, फ्लाइंग ब्रांच परमानेंट कमीशन एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच टेक्निकल परमानेंट कमीशन। इन तीन पोस्ट के बारे में जो अभी वैकेंसी फिलहाल आई हुई है इसमें, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ 60% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं इन एनी डिसिप्लिन। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें 60% मार्क्स आपके स्कोर होने चाहिए, या फिर आपका बीई बीटेक हो तो भी चलेगा 60%, या ए बी सेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन आपका एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया या फिर एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। और यहाँ 60% मार्क फॉर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक के लिए अगर आप अपीयर हो रहे हो, वहां भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन का चलेगा और 60% मार्क्स आपके लिए स्कोर होने चाहिए। अब बात करते हैं एज की। एज में अगर आप देखें तो आपकी एज जो है, आपका जो बर्थ डेट है वो 2 जैन 1995 टू 1 जैन 1999 के बीच में इंक्लूसिव होना चाहिए। इससे ना तो बाहर जाना चाहिए ना तो इसके अंदर आना चाहिए। तो ये बात हो गई एज की। और 26 का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है यहाँ पर। कमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको 26 ईयर तक एज का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं फीस की, तो इसमें फीस अगर आप देखो तो 250 रुपीज है, नॉमिनल फीस है, ज्यादा फीस रखी नहीं गई है। और स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और फर्स्ट सबसिक्वेंट डेज में ये टेस्ट चलता है। और अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर आपको कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, सॉरी कंप्यूटराइज्ड पायलट सेलेक्शन सिस्टम, यस, तो ये टेस्ट आपको देना होगा यहाँ पर। और एग्जाम की अगर बात करें यहाँ पर तो 2 घंटे की एग्जाम होगी जिसमें आपको वर्बल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ये सब पूछा जाएगा। काफी जनरल कोर्स है आपका, टेक्निकल अगर आप ब्रांच से रिलेटेड हो तो यहाँ पर टेक्निकल नहीं पूछ रहे हैं आपको। आपको जनरल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ये सारे कॉमन जीके, जनरल नॉलेज, इन सब क्वेश्चंस के बारे में ही आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको तैयारी उस तरह से ही करनी होगी। यहाँ पर आपको टेक्निकल में नहीं ध्यान देना है लेकिन आपको नॉन टेक में ध्यान देना है। नॉन टेक में अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कुछ टिप्स, तो आप यहाँ पर तैयारी अगर कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर जनरल वर्बल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप ज्यादा ध्यान दो, बिकॉज यहाँ वर्बल एंड न्यूमेरिकल में आपको इंग्लिश का पोर्शन पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल में आपको थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आपको क्वेश्चन आराम से आने लगेंगे। और टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा करके चलना होगा, बिकॉज यहाँ पर टाइम अगर आप देखो 2 आवर्स का ही टाइम आपको दिया जाता है। और ईकेटी की अगर आप एग्जाम यहाँ पर दे रहे हो तो 45 मिनट्स का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। अगर आप देखो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुकी है, प्रोसीजर 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है 2017 में, और ये चलेगी प्रोसीजर आपकी 14/1/2018 जो जनवरी अभी चल रहा है। ज्यादा दिन नहीं बाकी, आई थिंक ऑलमोस्ट एक वीक से ज्यादा, आई थिंक 9 दिन जितने बाकी हैं। तो आपने अगर अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो और इसे आराम से क्रैक कर सकते हो। और अगर आपकी डेट ऑफ एग्जाम हम देखें तो डेट ऑफ एग्जाम काफी जल्दी देने वाले हैं, इसलिए फैब में ऑलमोस्ट टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है, पर डेट ऑफ एग्जाम आपकी फैब में ऑलमोस्ट आपको ये एग्जाम देनी पड़ सकती है। एग्जाम का टेंटेटिव डेट आ चुकी है। कोर्स कमेंसमेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो जनवरी 2019 में इसका कोर्स कमेंसमेंट होगा, कोर्स स्टार्ट होगा, इसलिए अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो, इस एग्जाम के लिए आप अपीयर हो सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। इन सारी एलिजिबिलिटी पे आप इन सारी एलिजिबिलिटी आपके लिए सही है। तो इसी के साथ इस वीडियो से मैं विदा लेना चाहूंगा, मैं शर्मा सूरज। और अगर आपको ये चैनल आपको सॉरी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए सूरज के क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।